विधानसभा सचिवालय ने परंपरा के अनुसार नवगठित विधानसभा सदस्यों का सम्मान किया और गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा बनाए जा रहे नगर सैनिक कल्याण भवन का शिलान्यास किया। नमस्कार, एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को विभिन्न कार्यालयों और निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान जहां गड़बड़ी पाई वहां अधिकारियों को दंडित करने और अच्छा कार्य पाए गए अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देने के निर्देश दिए। तदनुसार संबंधित विभागों द्वारा दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित और दो अधिकारी को वर्तमान प्रभार से हटा दिया गया है। एक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दो अधिकारी को प्रशंसा पत्र भी दिए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने नगर पालिका कोलार काक्स में निरीक्षण किया था। मुख्यमंत्री अपने साथ एक आवेदक प्रेम नारायण सिंह घोषी का प्रकरण भी ले गए थे। घोषी ने नगर पालिका कोलार में निर्धारित नक्शे से अधिक निर्माण पर अनुज्ञा पत्र जारी करने का गत वर्ष अक्टूबर में आवेदन पत्र दिया था। ढाई तीन माह बीतने पर भी अनुज्ञा पत्र नहीं दिए जाने पर घोषी ने सीधे मुख्यमंत्री को आवेदन पत्र ईमेल से भेजा था। ये कार्य लोक सेवा प्रदाय गारंटी कानून के अंतर्गत 60 दिन में कानून हो जाना चाहिए था। नगर पालिका ने निर्धारित समय अवधि में इस आवेदन पत्र का निराकरण नहीं किया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान घोषी को भी नगर पालिका बुला लिया था। घोषी ने बताया कि वे आवेदन पत्र निराकरण के लिए नगर पालिका के कई चक्कर लगा चुके हैं। निर्धारित समय अवधि में कार्य नहीं होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश श्रीवास्तव को कोलार नगर पालिका से स्थानांतरित किया गया। इसी प्रकरण में उपयंत्री प्रदीप शुक्ला और भवन शाखा प्रभारी अनूप शर्मा को भी निलंबित किया गया है। मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 13 जनवरी को होने जा रहे सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के वृहद आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी जिलों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और नगर पालिकों को अधिक भागीदारी के लिए राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर और संभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने उज्जैन के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार प्रातः 11 बजे पूरे प्रदेश में एक साथ होगा जो 12:30 बजे तक चलेगा। वर्ष 2007 के बाद यह 8वां सामूहिक सूर्य नमस्कार होगा। ग्वालियर व्यापार मेला रविवार 12 जनवरी से प्रारंभ होगा। सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मेला का परिसर में स्थित मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट के सिलिटेशन सेंटर में उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा सदस्य कप्तान सिंह सोलंकी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्रा, महिला और बाल विकास मंत्री माया सिंह, सांसद प्रभा झा और अशोक करगल सहित विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेला में राज्य शासन के अनेक विभागों में स्टॉल भी लगाए जाएंगे। जनसंपर्क, ऊर्जा, खनिज साधन और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल 12 से 14 जनवरी तक रीवा प्रवास पर रहेंगे। शुक्ल इस दौरान स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। जनसंपर्क मंत्री 15 जनवरी को प्रातः भोपाल लौट आएंगे। भोपाल में होमगार्ड के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने होमगार्ड कल्याण भवन का भूमि पूजन किया। ये भवन होमगार्ड PHQ के पास बनेगा। साथ ही गृह मंत्री ने ये भी कहा कि होमगार्ड जवानों के लिए नई कॉलोनी बनाई जाएगी। इसके अलावा होमगार्ड जवानों को वर्तमान वेतन से ज्यादा वेतन देने का प्रयास किया जाएगा। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए EMS TV न्यूज के साथ। नमस्कार।